हे एवरीवन, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं मेरी जियर। आज मेरी जियर में करते हैं एक और साड़ी सी पैकिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसको बनाना और देखने में बहुत ही एलिगेंट लगती है। मैंने अपने चैनल पे इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था डॉल साड़ी पैकिंग का, ये उससे बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें एक माउंट बोर्ड की हेल्प से इस साड़ी को पैक करना बताया है। लेकिन अगर आप माउंट बोर्ड नहीं यूज़ करना चाहते और बहुत सरल तरीके से पैकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर जो साड़ी हमने चूज़ की है इस साड़ी को पैक करने के लिए, उस साड़ी का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। आप देखिए, जो मैंने साड़ी ली है इसका बॉर्डर काफ़ी चौड़ा है, तो इस तरीके की जो साड़ी है उससे लुक इसका बहुत अच्छा आएगा। तो आप थोड़े चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी लीजिए और इसको इस तरीके से हम पहले फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे इस साड़ी को डेकोरेट करने के लिए इनके बॉर्डर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स आप कैसी भी बना सकते हैं, यानी पतली या छोटी, मतलब मोटी कैसी भी रख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद सारी लेयर्स को एक साथ इकट्ठा कर लें और उसके बाद हम ऊपर, ये देखिए ये जो बॉर्डर है इसी का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रिबन का यूज़ कर रही हूँ ताकि हम इसके ऊपर एक नॉट लगा देंगे। आप रिबन की जगह पर कोई गोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास रेड रिबन था और रेड साड़ी है तो उसमें बहुत ईजिली विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम इसमें एक और रिबन से इसको टाई कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से टाइटली ये नॉट लगाना है। और उसके बाद इस जो साइड का जो फ्रिल है इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। सारी प्लेट्स को अरेंज कर देंगे। ये एक डॉल का स्कर्ट का जो बेस है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर जो हम माउंट बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यहाँ पर जो डॉल है उसको हम बीच सेंटर में ही प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डॉल ली है इस तरीके से, और इसको हम सेफ्टी पिन की सहायता से अच्छे से अंदर बिठा कर और इसको टाइटली यहाँ पर लगा देंगे ताकि जो डॉल है अपनी जगह से हिले नहीं। देखिए, और पीछे की साइड भी हम इसी तरीके से सेफ्टी पिन या फिर आप एलपेंस का यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको भी पीछे से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए, हमारी जो डॉल है उसका स्कर्ट ये रेडी हो गया है। विदाउट माउंट बोर्ड हमने इसे बनाया है और देखने में भी बहुत एलिगेंट लग रहा है। अब हम उसके साथ यहाँ पर जो डॉल है उसको डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से मेरे पास एक लेस है गोल्डन, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, लाइक आप चाहें तो छोटा नेकलेस इसको पहना सकते हैं, ब्राइडल लुक देने के लिए कुछ भी गोल्डन कपड़े से इसको रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का नेट का एक कपड़ा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देती हूँ। और पीछे भी हम इसको अच्छे से, चाहें तो आप ग्लूगन का इस्तेमाल करके इसकी ड्रेस बना दीजिए या फिर चाहे तो आप इसको सिंपली सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दीजिए। और इस तरीके का एक मैंने लिया है गोल्डन नेट, इसको मैंने इस यहाँ पे चुन्नी का लुक दिया है। तो बन गई हमारी सिंपल सी ये डॉल पैकिंग। अब हम इसको प्लेस करेंगे हमारी ट्रे पर, यानी जो वेडिंग ट्रे होती है जिस पे प्रेजेंट किया जाता है साड़ी को, हम उस पर इसको प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे तैयार करी है और इसमें मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। इस ट्रे का जो वीडियो है वो भी मैं आप इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे आप वेस्ट सामान से इस ट्रे को बना सकते हैं। बहुत आसान होता है इसको बनाना और मार्केट में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलती है। तो आप इस तरीके से साड़ी पैकिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से घर पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरीके के वीडियोस मेरे चैनल पे और भी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने अपनी सारी पैकिंग के वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या फिर किसी और के लिए जिसके लिए हेल्पफुल हो। मेरी जियर को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी जियर। मिलती हूँ आपसे अगली पैकिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।